पे आपका स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु बिहानवानी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान शुरू हो गया है। वोटर प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2,844 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव करेंगे। साथ ही दो नगरीय निकाय बीरगांव और भलाई के 3 वार्डों में उपचुनाव में पार्षद चुने जाएंगे। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होगा, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी रही है। पहली बार निकाय चुनाव में जोगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। दोनों दलों के उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस चाहे जैसा हो, लेकिन जीत हार वाली सीटों पर ये नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 16 साल बाद यहां फिर बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी संवेदनशील और सामान्य बूथों में संवेदनशीलता के आधार पर बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही सभी जगहों पर लगातार चेकिंग चल रही है। सभी सीएसपी और थाना प्रभारी अपने अपने थानों के हर वार्ड में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। निगम का यहाँ पे 70 वार्डों के लिए यहाँ पे कल मतदान है। इसके लिए सभी जितने भी संवेदनशील और सामान्य पोलिंग बूथ है उसमें संवेदनशीलता के आधार पर सभी जगह बल का डिप्लॉयमेंट किया गया और अभी सभी जगह की चेकिंग कर ली गई। सभी जगह पे बल पहुंच गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, अभी के क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, कैसा नजारा वहां नजर आ रहा है? देखिए ऋतु, रायपुर के 70 वार्डों में मतदान यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं अभी यहाँ पर एक मतदान केंद्र में हूँ जहाँ पर वार्ड क्रमांक 34 ये पड़ता है। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंतर्गत मतदान केंद्र है। और रायपुर के 70 वार्डों की अगर मैं बात करूँ तो 1128 मतदान केंद्र पूरे रायपुर के 70 वार्डों के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर वोटिंग शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लंबी लंबी कतारें हैं मतदाताओं की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा महिला और जो यहाँ पर युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं। ये मतदान केंद्र का नज़ारा है जहाँ पर वोटिंग अभी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनावी ड्यूटी में लगे जो कर्मचारी हैं, वो पहले मतदाता जो पत्र है उसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर वहाँ पर वोटर कार्ड आईडी और उसमें मिलान किया जा रहा है कि मतदाता की जो यहाँ पर जो वोटर है यहाँ पर उनका जो मतदान केंद्र है या नहीं। इसके बाद उनको जो पर्ची है, बैलेट पेपर है, वो दिया जा रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पर सील यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 151 नगरीय निकायों के 2840 वार्डों में वोटिंग हो रही है। इसके अलावा भिलाई नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के 2 वार्डों में उपचुनाव भी हो रहा है। खासी टक्कर खास करके रायपुर के 70 वार्डों में मानी जा रही है। अगर यहाँ की मैं बात करूँ डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री वार्ड की, तो यहाँ पर कांग्रेस से कमरान अंसारी और भाजपा से योगेंद्र वर्मा मैदान पर हैं। इसके अलावा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो है ठाकुर प्यारेलाल वार्ड। इसके अलावा भगवती चरण शुक्ल वार्ड जहाँ पर वर्तमान महापौर प्रमोद दुबे चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से सचिन मेघानी वहाँ पर मैदान पर हैं। तो यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो चुनावी ड्यूटी में जिनका ड्यूटी लगा है वो यहाँ पर हरेक मतदाता की जो पर्ची है वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वोट डाला जा रहा है। ये पहले मतदाता है जिन्होंने वोट डाला है। आप आइएगा थोड़ा। वोट आपने डाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? लोकतंत्र की एक तरह से आहुति में आप भी शामिल हो गए हैं। आहुति तो नहीं है सर, ये हमारा अधिकार है और सभी को इस चीज़ के लिए अपने को जागरूक करना होता है। अभी भी आज भी हमारे देश में, हमारे वार्ड में, हमारे राज्य में इतने वोटर है कि वो पूरा वोट नहीं देते। 100% वोट कभी हुआ नहीं है। 60% 55% ऐसा वोट होता है। कोई ये नहीं है कि इसमें कम से कम 80% 90% कभी आपने सुने हैं, नहीं सुने होंगे। आप जब से वोट डाला है आपने, क्या मुद्दे आपके जहन में रहे हैं उस दौरान? हमारे जो पार्षद हैं, हमने ये प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा वर्क काम करे, हमारे
बस्ती में साफ सफाई रहे, लाइटिंग रहे, पानी की दिक्कत ना हो, मूलभूत सुविधा जितनी भी हमारी है वो सब हमारे को मिलने चाहिए। हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं क्योंकि हम अकेले हम पूरी बस्ती जा नहीं सकते, तो उसके लिए हम एक प्रतिनिधि चुन रहे जो हमारा काम करे, हमारे लिए सहयोग करे कि हाँ हमारी तकलीफ है तो ये दूर करे, बस यही चाहते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप अभी? माहौल ऐसा है, देखिए चुनाव है, बहुत कुछ होता है, इसमें सभी को मालूम है, लेकिन हमारे को जो काम करे उसको चुनना है। ऐसा नहीं है कि वो अभी आज बांट दिया है फिर बाद में वो हमारे से हमारे ही पैसे से हमारे को ही उल्लू सीधा करेगा। अपना चिन्ह दिखा दें एक बार, आप देख सकते हैं। तो ये लाल बहादुर शास्त्री वार्ड है, यहाँ पर मतदाता लगातार अपना मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी एक मतदाता यहाँ से वोट डाल कर निकले, इसके अलावा अभी लगातार यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। महिला मतदाताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे उनके जहन में रहे जिसके। चलिए हेमंत, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बीजावर से हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? क्योंकि हम देखे ठंड बढ़ चुकी है, कोहरा है हर कहीं, क्या पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर लोग? पवन सुन पा रहे हैं आप? पवन, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं वहां पर? लगातार हम देखें तो जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, कितनी तादाद में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं या नहीं मतदान के लिए? जी आपको बता दूं, मैं इस वक्त बीजापुर नगर पालिका के शांति नगर वार्ड में हूं, जो सबसे बड़ा वार्ड भी है, तो लोग यहाँ से लगातार वोटिंग के लिए यहाँ से पहुंच रहे हैं। महिला पुरुष सभी की तादाद ठीक है। बीजापुर में फिलहाल उतनी ठंड नहीं है जितनी बाकी जगह है, और खासतौर से बस्तर में चुनाव को लेकर खासे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और जो लोग हैं वो प्रत्याशियों को लेकर खासे अलर्ट हैं, और वो अपने क्षेत्र में जो बेहतर विकास कर पाए उस प्रत्याशी को वो यहाँ चुनना चाह रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, बस्तर में और बीजापुर में इसके पहले जितने भी चुनाव होते थे सुबह 7 से 3 बजे तक का समय रखा जाता था, लेकिन इस बार वो 8 से 5 बजे तक है, जैसे सभी जगह छत्तीसगढ़ में हो रहा है उस तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहा है यहाँ पे। जी पवन, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मतदान कर रहे हैं यहाँ पर लोग, उनसे जानने की कोशिश करें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और लगातार हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जो वो अपने जहन में लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। मैं जिस वार्ड में खड़ा हूं वहां पर बड़ी संख्या में सुबह से ही जो महिला मतदाता हैं वोट करने पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं, मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जो कि लोकतंत्र है उसके लिए कितना उत्साह यहाँ के जो वार्ड वासी हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर कितने उत्साहित हैं, वो इससे समझा जा सकता है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर युवतियाँ और महिलाएं हैं वो वोट डालने पहुंच रही हैं। कुछ लोग हैं उनसे जरूर जानने की चर्चा करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे जिसके वजह से आप वोट डालेंगे? बदलाव तो हुआ है, उसी हिसाब से अपन वोट देंगे। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, पर्ची वाला, पहले पिछले आप ईवीएम से वोट डालते होंगे, क्या बदलाव लग रहा है आपको? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखते हुए वोट डालेंगे आप, क्या मुद्दे होंगे जहन में, क्या आपका चल रहा होगा, क्या ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से आप अपने वार्ड पार्षद को वोट दें? साफ सफाई वगैरह। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। परिणाम और एक तरीके से देखा अग्नि परीक्षा है, उसके बाद 24 को परिणाम आएगा, कैसा दिखते हैं और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? देखिए हमको पूरी उम्मीद है कि हमने 5 साल में पार्षद रहा, तो 5 साल मैंने जनता की सेवा की, और जनता का जो इसने और प्यार मेरे को पहले मिला वो भी इसने प्यार अभी देखने को मिला है, उस आधार में मैं बोलता हूँ कि एक बार फिर मैं उनकी सेवा में आऊँगा, और जो काम मेरे पिछले 5 साल में बच गए हैं उस काम को मैं आगे बढ़ाऊँगा,
जैसे सफाई और बिजली पानी ये सभी कार्यों को। ये भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथ थे जिनका दावा है कि अपने वार्ड में वो कई तरह के काम यहाँ पर करते नजर आएंगे। इसके अलावा जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वोट डालने यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो है नगर निगम कमिश्नर है शिवानंद तायल वो भी यहाँ पर वोट डालने पहुँचेंगे। उनसे भी बातचीत हम करेंगे कि वो उनका क्या कहना है और किस तरीके से वो अपील लोगों से करते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच रहे हैं। रितु जी, हेमंत वहां पर जानने की कोशिश कीजिए लोगों से कि कितना खुश है वो वर्तमान की सरकार से। लगातार जिस तरह से हम देखे विधानसभा में भाजपा को पीछे छोड़ा गया, फिर एकदम सत्ता में लोकसभा में भाजपा आ गई, तो क्या लगता है अब उनका क्या सोचना है, कितना संतुष्ट है वर्तमान की सरकार से? जी निश्चित तौर पर मतदाताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, एक साल पूरा हुआ है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को, किस तरीके से। हेमंत आपको रोकना चाहूंगी, बालोदा बाजार से अरविंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी, क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? मैं 100 जिले में अभी मैडम मतदान तो प्रारंभ हो चुका है। 187 मतदान केंद्र पूरे जिले में बनाए गए जिसमें 157 पार्षदों के लिए आज चुनाव होना है, जिसमें जिले में 1,28,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। उसमें 62,762 पुरुष एवं 65,283 महिलाएं और 4 अन्य श्रेणी के मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग करके एक स्वच्छ नगर पालिका परिषद का चुनाव करने में तैयार होंगे। सुबह से यहाँ पर हाई स्कूल और इसमें 8 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है और विद्या देवी जो है बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने अपना प्रथम मतदान किया यहाँ पे, और सुबह से ही लोगों की भीड़ आनी चालू हो चुकी है जो अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अरविंद, कैसा उत्साह देखा जा रहा है वहाँ पर लोगों में, कि कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो वोट करेंगे? लोगों में बड़े दूर से कई लोग बिलासपुर से आए, कई लोग आए और मतदान के प्रति एक अच्छा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लोग अपने परिवार से ही सुबह से ही यहाँ पे लोग सुरखुर्द आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करने लाइन लगा के खड़े हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं काफी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएं ज्यादा पहुँच रही हैं, पुरुष ज्यादा पहुँच रहे हैं, युवा पहुँच रहे हैं, कैसी भीड़ वहाँ पर देख सकते हैं आप? यहाँ पे लगातार महिलाएं पुरुष लगातार भीड़ बढ़ रही है, हम सब परिवार सहित लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सुबह से ही महिलाएं भी लाइन में लग गई हैं, पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा और अन्य कलेक्टर, अपर कलेक्टर वगैरह भी सब आकर अपना अपना मतदान कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। और लगातार हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपसे मैंने पहले भी पूछा कितना संतुष्ट हैं लोग वहाँ पर वर्तमान की सरकार से और क्या मुद्दे हैं, उसे एक बार जानने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान सरकार के कामकाज से जो आम लोग हैं वो कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को। पहले एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार कामकाज से कितना खुश है। आप बताइए, जो वर्तमान सरकार है उसके कामकाज से कितना खुश हैं आप, कैसा काम देखते हैं कामकाज? अभी तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला है, कोई काम दिख ही नहीं रहा है, क्या बोले, है ना, नरवा गरवा घुरवा, कोई भी चीज जो करना चाह रही है क्या करे वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो करना क्या चाह रही है, है ना। तो नई गवर्नमेंट से तो आशाएं तो बहुत थी पर उस रूप में अभी एक साल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल, आगे क्या करती है। आप कैसे देखते हैं एक साल के कामकाज को सरकार का? दिख तो रहेगा, नरवा घुरवा बना रहा है, भौरा चलवा रहा है और क्या है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। समस्याओं पर क्या ध्यान दे रहे, धान खरीदूंगा बोल रहे हैं, धान खरीदे कहाँ है किसी के, 2 महीने बाद पैसा दूंगा बोल रहे, किसानों की लड़कियों की शादी है किसी के पास पैसा ही नहीं है और किसी प्राइवेट दलाल के पास भेज रहे तो उसको पकड़ भी ले रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से उनका जीना हराम है। महिलाएं उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर, आप बताइए अम्मा क्या सोचते हो सरकार के कामकाज लेके एक साल जो है सब ठीक है। हमारे मकान ठीक कर दे, बस मकान पक्का कर दे, बस मकान के लिए समस्या बस।
तो ये हम लोगों की राय थी रितु, थोड़ी नाराजगी जरूर सरकार को लेकर है। ये लोगों का कहना है कि जो काम सरकार कर रही है उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। काम जरूर पूरा कर रही है लेकिन उसको पूरा करने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है, उसमें पूरे तरीके से नाकाम सरकार हुई, ऐसा हम लोगों का कहना है। थोड़ी बहुत नाराजगी सरकार के कामकाज को लेकर यहाँ पर दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत।